मंगल ग्रह हमेशा ही गुत्थियों से उलझा हुआ रहा है, कभी एलियंस को लेकर तो कभी अनेक प्रकार की विचित्र तस्वीरों को लेकर। मंगल ग्रह पर पानी भी मिला है, पानी के पुराने अंश मंगल ग्रह पर पाए गए हैं। अनेक प्रकार की तस्वीरों और डाटा रिसर्च से पता चला है कि मंगल पर कुछ ही वर्षों पहले पानी की नदियां बहती थी, लेकिन अब वो पूर्णतः समाप्त हो चुकी हैं या आधे से ज़्यादा नदियां जम चुकी हैं। मंगल का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस है, उसी कारण से वहां पर जीवन की संभावनाएं कुछ कम हो चुकी हैं। लेकिन प्राचीन हाल ही के कुछ वर्षों में मंगल पर तापमान बहुत ही नॉर्मल था, जहां पर इंसान भी आसानी से रह सकता था। उसी समय को लेकर अनेक प्रकार की विचित्र तस्वीरें आई हैं जो उस समय का सबूत देती हैं। तो आप इन विचित्र तस्वीरों को ध्यान से देखिए। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छी अच्छी और विचित्र जानकारी के लिए आप अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल चालू कर लें। मंगल से आई सबसे पहली तस्वीर को देखिए, जिसमें कुछ मूर्तियां दिखाई गई हैं। ये मूर्तियां खड़ी हुई हैं और इन मूर्तियों पर कुछ आकृतियां भी बनी हुई हैं। इन मूर्तियों पर अनेक प्रकार के इंसानी चेहरे जैसे बने हुए हैं। इन चेहरों पर कुछ अक्षर भी उकेरे गए हैं। ये मूर्तियां अनेक मिली हैं। कई मूर्तियां मिलने के कारण इनका पक्का सबूत है कि ये किसी के द्वारा मंगल ग्रह पर व्यवस्थित की गई थी। दूसरी तस्वीर संपूर्ण रूप से यकीन दिलाती है कि मंगल पर 100% जीवन होता था। मंगल पर जो पत्थर जैसी तस्वीर दिखाई गई है, उस पर आप आसानी से देख सकते हैं कि वो संपूर्ण रूप से एक बड़ी छिपकली की आकृति है। दोस्तों, इस छिपकली का रंग धूल से सना हुआ इस कारण से है क्योंकि मंगल पर हमेशा ही धूल भरी आंधी और तूफान आते रहते हैं, जिसके कारण इसके मृत शरीर पर धूल और मिट्टी जम गई है। लेकिन प्राचीन काल में इसका शरीर बिल्कुल एक बड़ी छिपकली जैसा था। और इसके साथ साथ मंगल पर अनेक प्रकार के जीव भी देखने को मिले हैं, जो बिल्कुल हूबहू धरती के जीवों जैसे दिखाई देते हैं। मंगल पर कुछ मोल जैसी आकृति के जीव भी दिखाई दिए हैं। इन जीवों का रहस्य बहुत ही विचित्र है। और इसके साथ साथ मंगल पर कुछ बंदर जैसे जीव भी देखने को मिले हैं। ये जीव मूर्ति की आकृति में हैं और इन मूर्तियों का रहस्य क्या है वो कोई भी नहीं जानता है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि मंगल ग्रह पर प्राचीन काल में बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं होती थी, जो इस प्रकार के जीवों से हमें रूबरू कराती हैं। अगली मिली हुई तस्वीर है इजिप्ट के जैसे पिरामिड की। यहाँ पर तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जैसा कि हमारे इजिप्ट में गीज़ा के पिरामिड हैं, वैसे ही मंगल पर भी पिरामिड हैं। इनकी संरचना बिल्कुल टेढ़े पहाड़ पर तिकोनी आकृति में बिल्कुल एक पिरामिड के जैसे बनी हुई है। पिरामिड में बिल्कुल ऐसी संरचना बनी है जैसे ये किसी ने बनाया हो। पत्थर की इस प्रकार की आकृति बनना बिल्कुल असंभव है। इससे भी पता चलता है कि मंगल पर प्राचीन काल में सभ्यताएं थी और जीवन था। ये जीवन या एलियंस का हो या फिर किसी अन्य जीवों का हो सकता है। धूल भरी आंधी आने के कारण मंगल पर एलियंस चले गए हों, क्योंकि उन्हें बार बार धूल भरी आंधियों का सामना करना पड़ता था, जिससे उनको बहुत ही बड़ी परेशानी होती थी, जिसके कारण वो मंगल ग्रह छोड़कर चले गए। और उस समय पर धरती पर पानी ही पानी था, जहाँ पर जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसी कारण से प्राचीन काल में केवल मंगल पर ही जीवन हो, इसकी पूरी संभावनाएं इन तस्वीरों से दिखाई दे रही हैं। अभी बात आती है मंगल पर दिखाई देने वाले चेहरों की। मंगल
एक बहुत ही विचित्र ग्रह बनता जा रहा है। यहाँ पर अनेक प्रकार के मूर्तियाँ और चेहरे भी नज़र आ रहे हैं। अनेक प्रकार के चट्टानों के बीच और चट्टानों में फंसे चेहरे मूर्तियाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से एकत्रित की गई हैं और ये इतनी सटीकता से बनाई गई हैं कि इंसानी चेहरे जैसा ही चेहरा बिल्कुल इनमें नज़र आता है। इंसानों को लेकर बहुत ही बड़ी बड़ी पहेलियाँ मंगल पर हैं और इस तस्वीर में तो बिल्कुल इंसान चलता हुआ नज़र आ रहा है। यह एक बहुत ही विचित्र तस्वीर है जो नासा की स्पेस एजेंसी ने ली है। ये तस्वीर नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर द्वारा ली गई है जो संपूर्ण रूप से हमें दिखाती है कि मंगल ग्रह पर सभ्यताएं मौजूद हैं और ये संपूर्ण रूप से मंगल पर कब्जा किए हुए थी। अपॉर्चुनिटी द्वारा और भी अनेक प्रकार की तस्वीरें ली गई हैं जो इंसानी स्वरूप को दिखाती हैं मंगल जैसे लाल ग्रह पर। मंगल पर इस प्रकार से जीवन के पक्के सबूत मिलते हैं जो मंगल की सभ्यता को दर्शाते हैं। कुछ और तस्वीरें हैं जिनमें आप साफ साफ इंसान जैसे चेहरे को देख सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे सामने एलियंस की तस्वीरें आई हैं उन तस्वीरों जैसे ही ये चेहरे नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे पास एलियंस की जो तस्वीरें आई हैं वो किसी ने स्वयं नहीं बनाई हैं, वो कहीं ना कहीं स्वरूप में आई हैं, तभी इंसान ने एलियंस की इस प्रकार की तस्वीर को माना है। दोस्तों, मंगल से आने वाली आगे की तस्वीरें इससे भी ज़्यादा विचित्र हैं। इससे हमें संपूर्ण रूप से यकीन हो जाएगा कि मंगल पर किसी न किसी प्रकार की सभ्यताएं 100% थी। मंगल ग्रह से ये तस्वीरें आई हैं जिनसे पता चलता है कि कोई मकड़ी जैसी आकृति है। मकड़ी जैसी इस आकृति का राज क्या है ये कोई नहीं जानता है। ये एलियंस की मकड़ियां बताई जा रही हैं और इन मकड़ियों के बीच कुछ चेहरे भी नज़र आ रहे हैं जो हूबहू एलियंस से मिलते हैं। अनेक प्रकार की मकड़ियों की तस्वीरें भी मंगल ग्रह पर दिखाई दी हैं, वो आप साफ साफ देख सकते हैं। सभी जीव अलग अलग हैं और मकड़ी की आकृति में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद तस्वीर आती है एक चींटी की। चींटी की ये तस्वीर बहुत ही विचित्र कर देने वाली है। दोस्तों, चींटी की ये तस्वीर लगभग 120 मिलियन साल पुरानी है और इस तस्वीर का कलर भी मंगल पर पाई जाने वाली मिट्टी जैसा है। इस तस्वीर की विचित्र बात ये है कि ये एक असली की चींटी है। इस चींटी से भी मंगल पर जीवन के पक्के सबूत होने का दावा है। और अब बात आती है एक और विचित्र मूर्ति की। यह मूर्ति मंगल ग्रह पर बिल्कुल पहाड़ों के बीच मिली है और बिल्कुल चेहरा भी इसमें साफ नज़र आ रहा है। इस तस्वीर में कुछ दाढ़ी और बाल दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को मार्स पर रहने वाले एलियंस द्वारा पूजे जाने वाले भगवान की मूर्ति कहा गया है। यह तस्वीर एलियंस के भगवान की है और ये नासा के द्वारा खोजी गई है और आज तक भी इस प्रकार का कोई भी एलियन देखने को नहीं मिला है। इसी कारण से ये तस्वीर एलियन के भगवान की नासा ने बताई है। और इसके अतिरिक्त पहाड़ों में, ज़मीन पर और पत्थरों के बीच अनेक प्रकार के इंसानी चेहरे जैसी आकृतियां भी मंगल ग्रह पर नज़र आती हैं। मंगल पर इतनी भारी मात्रा में इंसानी चेहरों जैसी आकृतियां होने का रहस्य क्या है ये कोई भी नहीं जानता है। और दोस्तों, एलियंस की बात करें तो उनके पास इंसानों से बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और हो सकता है वो मंगल ग्रह को कई वर्ष पहले छोड़कर चले गए हों और इसके पश्चात बाद में फिर विचार कर रहे हों मंगल ग्रह पर रहने के लिए। अनेक प्रकार की बस्तियां एलियंस इंसान से बहुत पहले मंगल पर बसा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी कई चीज़ें
लेकर आते रहेंगे और एंटरटेनमेंट की चीज़ें और वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी नई और लेटेस्ट स्ट्रेंज वीडियो आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। और इन तस्वीरों में आपको सबसे अच्छी तस्वीर, सबसे स्ट्रेंज विचित्र कर देने वाली तस्वीर कौन सी लगी, वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि भविष्य में हम उसी तस्वीर को लेकर और भी जानकारियाँ एकत्रित करने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।